दोस्तों, आज आपके साथ हम शेयर करेंगे सूरन और शकरकंदी के कोफ्ते। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आधा किलो हमारा सूरन और शकरकंदी है। इसमें एक चम्मच बड़ा दही डालेंगे, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक और ये काजू। इसको सौते करेंगे पहले तेल में और फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और ये पोस्त दाना इसमें हम भिगो के कढ़ी में डालेंगे। ये हम लोग टमाटर, दो बड़े टमाटर और हरी मिर्च चार, और एक चम्मच इसमें सेंधा नमक और ये जीरा एक चम्मच इसमें हमने मिला दिया। और इसको बढ़िया से सौते करेंगे और अदरक की क्यूब भी डाल दी। और ये देखिए, ये एक बड़ा चम्मच काजू का हमने इसमें मिला दिया। तो इसका लिड लगा रहे हैं। दोस्तों, ये हमने जो टमाटर और काजू को हमने इसको सौते किया था तेल में, तो ये देखिए इसका फाइन पेस्ट हमने बना लिया। अब इसको हम छानेंगे, क्योंकि हम शाही ग्रेवी बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि विवाह का सीज़न शुरू हो गया है, तो ये विवाह की रेसिपी है आपकी शाही कोफ्ते सूरन और शकरकंदी के। ये देखिए, ये हमने जो छाना है सौते किए हुए, इसका देखिए ये सब छिलके विलके निकले हैं। ये हमें ग्रेवी में एकदम डालना नहीं है, स्मूथ ग्रेवी कोफ्ता में ऐड करना। अब देखिए आप, एकदम ये शाही ग्रेवी इसको कहते हैं। चलिए अब कोफ्ते आपको दिखाते हैं हम। ये हमने बढ़िया से मैश कर लिया है सूरन और शकरकंदी, और इसमें हमने ऐड कर लिया है अदरक कस करके। तो अब हम आपको तलना दिखाएंगे कोफ्ते। ये जो मैश किया है सूरन और शकरकंदी, इसमें हमने 5 हरी मिर्च को कुतर के दिए और 1 चम्मच हमने सेंधा नमक ऐड किया, और ये धनिया पाउडर डालेंगे इसमें 1 चम्मच, और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें ताज़ा धनिया पत्ता इसमें कुतर के। दोस्तों, आप देखिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच हमने ये भर के छोटे बेसन के इसमें मिलाए हैं, और अब बढ़िया से इसको गूंदेंगे। तो बेसन हमने इसमें बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है। तो ये कोफ्ते जो हम आज दिखा रहे हैं आपको दोस्तों, ये श्री नाथ जी नाथद्वारा में भोग में शामिल किया जाता है, और बहुत पुरानी रेसिपी है। और भगवान जी का भी विवाह होता है हमारी तरह। यहाँ वृंदावन में राधा वल्लभ जी, श्री राधा वल्लभ जी लाल का रोज़ प्राय हर दूसरे तीसरे दिन विवाह होता है, तो उसमें भी ये रेसिपी, ये कोफ्ते शामिल किए जाते हैं। गूंद के अब देखिए इसको, अब कोफ्ता का आकार देंगे, और इसमें ये किशमिश काजू के टुकड़े हमने अंदर में भरेंगे। देखिए हमारे साथ और बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये भरेंगे इसके अंदर में, और ये बीच का साइज़ हमने रखा है। ये कोफ्ते एकदम करारे हमें अंदर में कच्चे नहीं हो, और हमारी जो फ्लेम है वो एकदम सिम में रहेगी। कोफ्ते एकदम तैयार हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। अब 1 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे, छनी हुई जो ग्रेवी है स्मूथ ग्रेवी, ये इसको सौते करेंगे। अब तड़का लगाएंगे। यदि हमारी रेसिपी दोस्तों आपको पसंद आई है, तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ललिता जी की वंडरफुल किचन। इसका कलर, टेक्सचर देखिए, और एरोमा बहुत आ रहा है। 1 चम्मच सेंधा नमक इसमें मिलाएंगे,
अब इसको बढ़िया से उबलने देते हैं। दोस्तों देखिए पक गई है हमारी ग्रेवी और ये कोफ्ते हैं, तो अब हम ग्रेवी ऊपर से कोफ्तों के ऊपर गार्निश करेंगे। ये कोफ्तों को पकाना नहीं है इसमें, इसलिए हमने इसको बहुत ही डीप फ्राई किया था, अंदर से पक गए हैं। ताज़ा धनिया और अब धीरे धीरे इसके ऊपर हम फैलाएंगे ये ग्रेवी, क्योंकि ऊपर से क्रिस्प है अंदर से ये नरम है। और अपने श्री नाथ जी राधा वल्लभ जी, श्री राधा वल्लभ जी को तो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। देखिए अब हमने हरे धनिए से इसको गार्निश कर दिया। चलिए दोस्तों अब हम यशोदा नंदन जी को इसको निवेदन कर, श्री यशोदा नंदन जी के दर्शन करवा रहे हैं। ये हमारे श्री लक्ष्मी गणेश जी, श्री हनुमान महेश्वर जी। चलिए दोस्तों अब जो हमने शाही कोफ्ता ग्रेवी के साथ ये श्री यशोदा नंदन जी को जीरा राइस, बासमती जीरा राइस के साथ ये भोग निवेदन कर रहे हैं, तो मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में। तब तक ले राधे राधे, हर हर महादेव।